चलाना तो मेहरबानी करनी है नारे भी नहीं मारने मेहरबानी फिर क्योंकि बीच से सब सुन रोड पे ना इसमें मेहरबान रहा है ठंड भी चाहे मेरा दिल ना दो त्रय करना और इधर थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नायती काबले इत्राम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों बरकरदारों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का अजीजों का अपने भाइयों का बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौसम में इस ठंड में जिस तरीके से जिस मोहब्बत और वल्ले के साथ आप यहाँ बरजमान हैं मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपने मेरा जिस तरीके से इस्तकबाल किया है मैंने पहले भी मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता और ये भी आपको मैं बता दूं कि इंशाल्लाह जब तक दम में दम है सेहत और जिंदगी है आपकी खिदमत जो है डंके की चोट पर करेंगे और ये भी मैं बता दूं ये भी ना सोचें कि जी अपोजिशन है या हुकूमत है या हम अपोजिशन में है या हुकूमत में है ये हुकूमतें इंशाल्लाह वो ही करेंगी जो हम कहेंगे अल्लाह के फजल करम से क्योंकि हुकूमतों को भी एहसास हो जाता है पार्टियों की को भी एहसास हो जाता है कि कौन शख्स कौन इंसान बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत को सर अंजाम दे सकता है। हमारा आप सबको इल्म है कि हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक के मामलात को देखते हुए पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर फैसले किए जाए। हमने जितने भी फैसले किए ख्वाहे वो लोगों के लिए बत्तियां हो ख्वाहे सड़कें हो ख्वाहे बिजली हो ख्वाहे गैस हो